फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल करियर के इस यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग इस क्लास में प्रश्नावली 13.3 के क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपका वीवीआई क्वेश्चन होगा। तो ज्यादा नहीं, हम यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा, दोनों क्वेश्चन सीख के जाइएगा। अब देखिए, जैसा कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा प्रश्नावली 13.3 का, जो कि आपको पीएचडी क्षेत्रफल आयतन है क्लास 10 का, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, तो पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। ध्यान रखिएगा, पहले एक ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर जैसा कि आपको दिख रहा होगा, और आपको उसी गोला को पिघला देना है और फिर हमको बेलन के रूप में बनाना है। तो बेलन की त्रिज्या दी गई है, तो हमको बताना क्या बेलन की ऊंचाई। जब भी ऐसा गलाने पिघलाने की बात करेगा तो याद रखिएगा आयतन जो है वो आपका आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आयतन क्या होगा आपका, आपस में बराबर होगा। तो चलिए, हम लोग क्वेश्चन में जो दिया गया है जो कि आपको दिख रहा होगा उससे हम जो इसके जो इम्पोर्टेंट जो दिए गए हैं यहाँ पे उसको हम नोट कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखिए, इसमें दिया गया आपको गोले की त्रिज्या दी गई है, उसको लिख लीजिए। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि आपके गोले की त्रिज्या कितनी दी गई है, तो वो दी गई है आपकी 4.2 सेंटीमीटर, जैसा कि आपको क्वेश्चन में भी दिख रहा होगा। अब इस गोले की त्रिज्या को पिघलानी है और आपका क्या है, तो फिर बोला गया आपको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में बनाना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बेलन की त्रिज्या कितनी दी गई है, तो बेलन की त्रिज्या हो जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, तो निकालना है बेलन की ऊंचाई। क्या निकालनी है, बेलन की ऊंचाई हमें नहीं मालूम है, बेलन की ऊंचाई हमें निकालनी है। हमने आपको बताया कि जब भी पिघलाने वाला क्वेश्चन होगा, जिस रूप में बदला जाएगा, दोनों के आयतन को इक्वल यानी के बराबर कर दीजिएगा। इसीलिए हम कर सकते हैं इसलिए बेलन का आयतन क्या कर सकते हैं, बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा आपका गोला का आयतन। ठीक है, क्योंकि गोला के आयतन गोला से हम लोग बेलन के रूप में बदलेंगे, तो पहले आप इसको बाद में इसको भी लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब बेलन का आयतन क्या होता है, तो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका फॉर्मूला होता है। गोला का जो फॉर्मूला होता है, गोला का आयतन क्या होता है आपका, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ध्यान रखिएगा दोनों जगह पाई है, यहाँ ही पाई है, तो पाई से पाई कट जाएगा। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आर का वैल्यू यानी कि बेलन की बात हो रही है, बेलन की त्रिज्या कितनी दी गई है, तो बेलन की त्रिज्या कितनी है, तो 6 है। आपका 6 गुना 6 हो जाएगा, चूंकि आर पे स्क्वायर है, गुना में क्या होगा आपका एच, बराबर 4/3 गुना। यहाँ पे आर पे क्यों है, आर मतलब त्रिज्या, किसकी त्रिज्या बात करेंगे, गोले की। तो गोले की त्रिज्या कैसे देखे, तो 4.2 × 4.2 × 4.2, चूंकि यहाँ पे क्यू है 3 बार देंगे, यहाँ स्क्वायर है सिर्फ 2 बार देंगे। अब आप इसको गुना काट लीजिए, देखिए आप यहाँ से काट सकते हैं, 6 × 6 = 42 यानी कि जो 7 हो जाएगा, फिर 6 × 6 और फिर काटेगा तो हो जाएगा 0.7। अब यहाँ जो एच बराबर जो आया, आप यहाँ से भी काट सकते, देखिए इसको काटेगा तो 1.4 टाइम में कट जाएगा, 14 × 3 कितना होता है 42 होता है। अब जो बच गया, वो बच गया आपका 4 × 1.4 × 0.7 × 0.7। अब सबको आप आपस में गुना कर दीजिए, और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसे ही आप गुना कीजिएगा तो आपका एच बराबर आ जाएगा 2.744 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.744 सेंटीमीटर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसे ही आप गुना करेंगे। अब ये जो एच था वो क्या था, तो बेलन की ऊंचाई थी, तो बेलन की ऊंचाई कितनी निकल के आ गई, तो 2.744 सेंटीमीटर, ये बेलन की ऊंचाई निकल के आ गई। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट हो गया, आप ऐसे कर सकते हैं, इसीलिए बेलन की ऊंचाई बराबर 2.74 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं या आप इसके आंसर ऐसे भी कर सकते हैं। तो कुछ नहीं किया गया इस क्वेश्चन में, बस बेलन का आयतन इक्वल में गोले का आयतन, क्योंकि दोनों को जब भी पिघलाएंगे तो आयतन बराबर होगा, दोनों का फॉर्मूला लगाया, मान डाला, और आपको कटने के बाद जो बचेगा एच का वैल्यू, वही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको हम यहाँ से साफ कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और पूरा आखिर तक देखिएगा, ज्यादा लंबा क्लास होगा नहीं, बस एक क्वेश्चन और हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर इसी का,
टू यानी कि दूसरा। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा टू, दूसरा नंबर क्वेश्चन, उसको पढ़िए आप कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया और क्या आपको निकालना है। जब तक क्वेश्चन समझिएगा फिर यहाँ पे हम आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। अब देखिएगा तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपके सामने दिया गया, उसमें कहा गया क्रमशः, सबसे पहले लिखा हुआ देखिएगा सबके सामने, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के तीन ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। याद रखिएगा तीन छोटी छोटी गोलियां हैं, गोले हैं, सबकी त्रिज्या दी गई है, 8 दी गई है, 6 दी गई है, 8 दी गई है और 10 दी गई है। तीनों को पिघला देना और एक बड़ा सा गोला यानी कि तीनों को एक साथ कर देना, तो अभी क्या बड़ा बनेगा, तो जो बड़ा गोला बनेगा उसकी त्रिज्या हमसे पूछी गई, क्या पूछी गई है, बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी। चलिए यहाँ पे हम भी बारी बारी से क्रमशः दिया गया तो हम भी यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, मान लेते हैं यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे पहले गोले की त्रिज्या, उसको हम लोग आर वन कह लेते हैं, आर वन कितना आपका 6 सेंटीमीटर। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे, क्या होगा आपका दूसरे गोले की त्रिज्या कितनी होगी, आर टू होगी, वो कितना आपका 8 सेंटीमीटर है। अब तीसरे गोले की बात करेंगे तो वो आपका आर थ्री हो जाएगा, वो कितना आपका 10 सेंटीमीटर। पूरा अंडर प्रोसेस बताएंगे, ठीक है आपको हम। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, तीनों गोले को पिघलाना है तो जब भी पिघलाने वाली बात होगी तो क्या होगा आपका आयतन होगा, याद रखिएगा जब भी पिघलाने की बात करेगा तो क्या होगा आपका आयतन, और तीनों को हम लोग पिघला के एक साथ करेंगे, एक साथ मतलब ऐड करेंगे, एक बड़ा गोला बनेगा, मतलब इन तीनों गोले के आयतन को अगर एक साथ कर देंगे एक बड़ा गोले के आयतन क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होगा, इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे देखिएगा बड़े गोले का आयतन ये जो होगा, बड़े गोले का जो आयतन होगा, बड़ा गोला का जो आपका वॉल्यूम जो निकल के आएगा वो तीनों गोले के आयतन के बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं पहला गोला का आयतन है ना, पहले गोले का आयतन अब प्लस में जाएगा आपका क्या, दूसरे गोले का आयतन, प्लस में क्या होगा आपका तीसरे गोले का आयतन। चलिए बड़े गोले का आयतन फॉर्मूला क्या होता है, गोले का आयतन का 4/3 πr³, तो बड़ा गोला ऐसे हम इसको r बड़ा मान लेते हैं, ठीक है बड़ा r मान लेते हैं, 4/3 πr³, चूंकि बड़े गोले है तो बड़ा गोला का त्रिज्या बड़ा r मान लेते हैं, बराबर पहले गोले का आयतन क्या होगा 4/3 πr, इसकी त्रिज्या क्या माने, देखिए तो r1 माने, अभी r1 ही रखिए, r1 का क्यूब प्लस 4/3 πr, r2 का क्यूब प्लस 4/3 πr और r3 का क्यूब। पहले गोले का आयतन फॉर्मूला, दूसरे गोले का आयतन फॉर्मूला, तीसरे गोले का आयतन फॉर्मूला और आपको यह आपका बड़े गोले का आयतन फॉर्मूला। अभी काटिए उठेगा नहीं, अब देखिए 4/3 πr³ बराबर कुछ कॉमन दिख रहा है तीनों में कॉमन है 4/3 πr, तीनों में है आर, यहाँ आर वन है, यहाँ आर टू है, यहाँ आर थ्री, इसलिए कॉमन मत लीजिएगा, 4/3 πr कॉमन ले लीजिए, 4/3 πr कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ क्या बचेगा आपका आर वन का क्यूब प्लस यहाँ बचेगा आपका आर टू का क्यूब प्लस में आर थ्री का क्यूब। अब देखिए जैसे ही कॉमन लीजिए तो 4/3 से 4/3 कट जाएगा, अब पाई से पाई कट गया। अब यहाँ बचा आपका आर क्यू, यही आर हमको निकालना है, यही बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या क्या है आपका आर थ्री है, ये वाला बड़ा वाला। आर वन का क्यू, आर वन कितना बड़े गोले की त्रिज्या 6 है तो 6 का क्यू प्लस आर टू कितना 8 है तो 8 का क्यू प्लस आर थ्री कितना 10 तो 10 का क्यू। आर क्यू इक्वल में आप सब क्यू कर दीजिए, 6 का क्यू कितना होगा जल्दी बताइए, तो 6 का क्यू कितना होगा, 8 का क्यू कितना होगा और 10 का क्यू कितना होगा, तो याद रखिएगा 6 का क्यू कितना होगा 216, कितना होगा 216 प्लस 8 का क्यू कितना होगा 512, कितना होगा 512 और 10 का क्यू कितना होगा 1000, ठीक है कितना होगा 1000। अब यहाँ से देखिएगा अब सबको ऐड कर लीजिए, क्या कर लीजिए सबको ऐड, तो आर क्यू ऐड कीजिए तो 1700 कितना होगा आपका 28 हो जाएगा, जोड़ लीजिए 0268 हो जाएगा, 0112 हो जाएगा, 0527 हो जाएगा और आपका 1728। अब यहाँ देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आपको दिख जाएगा तो यहाँ बनाते, ठीक है। अब यहाँ से R बराबर यहाँ से Q हटाएंगे तो इसको हो जाएगा घनमूल, यानी कि आपका ऐसा हो जाएगा सिंबल 1728, यहाँ हो जाएगा आपका घनमूल और इसका घनमूल की जगह तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यही इसकी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 1728 किसका घन होता है तो 12 का होता है, तो मैं ऐसे कह सकते हैं 1728 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा
12 होगा और यही आर जो है वो बड़े गोले की त्रिज्या। ठीक है, हम यहाँ पर चाहते तो हम लिख सकते थे बड़े गोले की त्रिज्या को हम मान सकते थे आपका बड़ा वाला आर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होता, ऐसे भी हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, आपको क्लियर दिख रहा होगा, बिल्कुल समझ में भी आ गया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग इतने रहने देंगे, 2 क्वेश्चन 1 और 2। अगले क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, और जो चैनल पर नए होंगे पहली बार क्लास कर रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप बिल्कुल आसानी पूर्वक अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में अगले दिन।